अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हो। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मसाला बड़े, मतलब चने बड़े। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ, माफ करिए, जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें थोड़ी आवाज कम आई थी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से वीडियो और अच्छी आवाज आए। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। चने इसके लिए हमें चाहिए होगा चने, दो चार घंटे चने की दाल, सॉरी गाइस। तो हमने इसको चार घंटे सोक कर लिया है। नेक्स्ट करी लीव्स है एंड कोरिएंडर लीव्स एंड चॉप ग्रीन चिली, आधे चम्मच लहसुन की कलियां और एक चम्मच जीरा। चलिए देखते हैं कैसे बना जाता है। तो चलिए हमें ग्राइंडर के जार में ये चने की दाल डाल लेने हैं। अब इसमें डालेंगे हम जीरा 1 टीस्पून, जो हमने बोला था 1 चम्मच जीरा, लहसुन जो हमने बोला था, और हम डालेंगे मिर्ची ग्रीन चिली। अब हम इसको ग्राइंडर कर लेंगे। इससे पहले आप 1 टीस्पून नमक डाल लें, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको और अच्छा दिख रहा है, इसको कोर्सली ग्राइंड करें। ये अभी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसको एक सर्विंग बॉल, मतलब एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब हम इसमें कोथमीर और क्या करी पत्ता डालेंगे। अगर चाहे तो आप ऑनियन और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऑनियन को अच्छी तरह से चॉप कर रहे हैं। अब हम एक पैन में ऑयल हीट होने दे देंगे। ये देखिए, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लें बैटर को। एक टिप बोलना चाहूँगी मैं ऑयल के बारे में, जब कुछ भी आप फ्राई करना चाहें तो उसके जो तेल ऑयल के नीचे आप नमक डाल दीजिए, क्योंकि ऑयल में जो हम लोग आइटम्स बना रहे हैं, भजिया बना रहे हैं, तो वो ऑयल कम अब्जॉर्ब होगा उसके अंदर। इस शेप के हमें चने के दाल के बड़े बनाना है। अब हम इसको, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं। ऑयल लो फ्लेम पर रखना है हमें, इसकी वजह से अंदर भी अच्छी तरह से पक सके। ये भी फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन होए तक हमें इसे पका लेना है। ये देखिए, हमें अच्छी तरह से अभी थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन होने से, मतलब येलो लाइटली शेलो लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तो डार्क होने के लिए हमें रहना है। और ये देखिए कितना सा क्यूट सा फ्लेवर का शेप आया इसमें, बहुत क्यूट है। थोड़ी थोड़ी देर को हमें पलटाते रहना है ताकि पूरे साइड अच्छी तरह से पक जाए दोनों साइड। ये देखिए, ये दो पक रहे हैं। आप अपने फ्लेम को मीडियम पे रख लें। ये देखें, हमने मीडियम पे रख लिया है और ये पकने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होना शुरू भी हो गए हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से पलटाते रहें, अच्छी तरह से पलटना चाहिए एक बार। ये देखें, अभी थोड़ा टाइम है और थोड़ा लिटिल बिट टाइम है और ये पूरी तरह से पक चुके हैं, बस थोड़ी देर और। हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे चने के बड़े। ये देखिए, अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत क्रिस्पी और मस्त लग रहे हैं। इसी तरह से सारे पूरी तरह से फ्राई कर लें। ये हमारे चने के बड़े बनकर तैयार हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं और क्रिस्पी लग रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो प्लीज़, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।